इसमें प्रिय मित्रों, प्रभु येसु क्रिस्त की शांति एवं प्रेम आप सबों के साथ सदा बने रहे। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है, वह महती ज्योति है प्रभु येसु यानी ईसा मसीह, और उनके वंशावली में 28वां पीढ़ी बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। अब ये 28वां है पीढ़ी है। हम लोग याद करना है इब्राहिम से लेकर दाऊद राजा तक 14 पीढ़ियां उत्पन्न हुए, और दाऊद राजा से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां उत्पन्न हुए। ऑल टुगेदर 28 पीढ़ियां उत्पन्न हुई है। आज दिसंबर 15 तारीख यानी क्रिसमस की तैयारी के 15वां दिन। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ठंड ज्यादा है क्या? सुबह सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत लगता है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी फ्रेश अप हो जाइए और थोड़ा सा वचन सुनेंगे। आज मनुष्य कहते हैं तुम सदा गलत संगति में या गलत काम में फंसे रहते हो, मुझे तुमसे बात करने में शर्म आती है। इस तरह की बातें सुनने वाला बहुत है, जाने या अनजाने से गलत काम में गलत संगति में फंसे रहने वाले आज बहुत कोई है। कोई कोई जानते हुए जाते हैं, कोई बचपन के आदत से भी गलत काम में फंसे रहते हैं, अपने पीयर ग्रुप या दोस्ती के बीच में जो गलत बातें और इस गलत संगति के कारण गलत काम में जाने वाला बहुत है। आज मीडिया भी एक कारण बन चुके हैं। ईश्वर मीडिया अच्छे काम के लिए, अच्छे बातें सुनने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए सब दिए हैं, लेकिन ये मीडिया का मिसयूज आजकल बहुत होते हैं और इसके कारण से भी गलत काम में गलत संगति में फंसे रहने वाले बहुत हैं। लेकिन प्रभु मनुष्य इस तरह कहने के बावजूद भी प्रभु येसु वचन के द्वारा संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 5 वचन संज्ञा 31 और 32 के द्वारा कहते हैं ईसा ने उन्हें उत्तर दिया निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। यानी प्रभु येसु के दिल में सदा पापियों के प्रति दया उमड़ पड़ती है। जहां पापियों को, दुखियों को, पीड़ितों को एक कोने पे देते हैं या भेजते हैं या उनसे दूर रहते हैं, पर उन्हें बचाने के लिए बस एक ही रक्षक इस दुनिया में उत्पन्न हुए हैं, वही है ईसा मसीह, जिसके जन्म पर्व के लिए तैयारी हम करते हैं। वही प्रभु येसु तुमसे कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने, पापियों को बुलाने, पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। भाई और बहनों, मुझे सुनने वालों में से अगर कोई है जो गलत संगति में है, गलत काम में फंसे रहते हैं, तो उन्हें एक प्यार का और शांति का सुसमाचार है आज का वचन, क्योंकि प्रभु आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में वो सोचते भी हैं
और दया दिखाते भी हैं, इसलिए प्रभु आए हैं। हम संत मत्ती के अध्याय 1 वचन संख्या 21 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम उन्हें यीशु नाम रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का अर्थ ही है मुक्तिदाता, जो उनके लोगों को उनके पापों से उद्धार करने वाला है। आज शायद आप दुखित होंगे, कोशिश करने के बावजूद भी गलत काम से या गलत संगति से छुटकारा नहीं पा सकते होंगे, लेकिन आपको छुटकारा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही या एक ईश्वर ही है, वही है ईसा मसीह। आइए आज हम आपके साथ, हम सब इस वचन को स्वीकार करें, क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब गलत किए हैं, गलत संगति में फंसे थे या फंसे हैं। हम आज 75 करोड़ों लोग जो गलत संगति में हैं, गलत काम में फंसे रहते हैं, उन सबों के लिए आज हम प्रार्थना करें, उन सबों के जीवन में ये वचन, ईसा मसीह का जीवंत वचन प्रवेश करे और उनके हृदय को प्रभु बदल दे और उन्हें ऐसी गलत कामों से, गलत संगति से छुटकारा दे, उन्हें भी मुक्ति मिल जाए और वे ये मुक्तिदाता यीशु को अपना रक्षक मानकर स्वीकार करें, उनके हृदय भी प्रभु यीशु का जन्म के लिए तैयार हो जाए। ये वचन रूपी यीशु आज उनके जीवन में प्रवेश करने के लिए और उनके जीवन को बदल देने के लिए, हमारा जीवन को बदल देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। जय यीशु, धन्यवाद।